हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। इंडियन हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास इस टॉपिक के टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस टॉप मोस्ट सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड लिए। तो चलिए आज की स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मॉडर्न लोकेशन ऑफ बैटल ऑफ गोगुंदा। निम्नलिखित में से कौन सा गोगुंदा की लड़ाई का आधुनिक स्थान है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, राजस्थान। गोगुंदा के युद्ध को हल्दीघाट का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध जून 1576 में राजस्थान में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के प्रताप सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। सो आपका आंसर जाता ऑप्शन बी के साथ, औरंगजेब। आलमगीर की उपाधि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को धारण की थी। और आलमगीर इसका मतलब क्या होता है? वो होता है विश्व विजेता। औरंगजेब भारत पर राज करने वाले छठे मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। नेक्स्ट, द मुगल पीरियड गार्डन्स आर कॉल्ड। मुगलकालीन उद्यान क्या कहलाते थे? तो उन्हें कहते थे फोर गार्डन्स यानी चार बाग। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, फोर गार्डन्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता ऑप्शन ए के साथ, 1575 में। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा ये मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा फर्स्ट हु वाज अ किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो आपका आंसर जाता ऑप्शन ए के साथ, शिवा टेम्पल्स ऑफ एलोरा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ये दंती दुर्ग के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। दंती दुर्ग के राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर वॉज द मोस्ट फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स। कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का सबसे अधिक शौकीन था? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता ऑप्शन सी के साथ, जहांगीर। जहांगीर ये मुगल बादशाह चित्रकला का सबसे अधिक शौकीन था। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ राइटर ऑफ तारीख ए फिरोजशाही। निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। तारीख ए फिरोजशाही ये भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान इंडो फारसी इतिहास पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेडेड रुकनुद्दीन फिरोज। निम्नलिखित में से किसने रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी बनाया? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता ऑप्शन बी के साथ, रजिया। नेक्स्ट, हु रोट तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने 1321 में तुगलकनामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर जाता ऑप्शन ए के साथ, सॉरी सी के साथ, अमीर खुसरो। कैसे घियाउद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और कैसे तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत और पूरे भारत पर शासन किया था, ये सब इस तुगलकनामा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ड बाय। कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, नंदीवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन सेकेंड। पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने यह मंदिर बनवाया था और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड बाबरनामा फ्रॉम चगताई टू पर्शियन। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किया? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता ऑप्शन ए के साथ, अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन ए। बाबरनामा को चगताई तुर्की में लिखा गया था जो कि बाबर की मातृभाषा थी। ठीक है दोस्तों, बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण
प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी याद में करवाया गया था। ठीक है, सो आपका आंसर जाता ऑप्शन ए के साथ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ये भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मीनार है और इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और इसमें कुल 379 सीढ़ियां भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स हैज रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंसेस इन किताबे रेला। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताबे रेला में दर्ज किया है? सो आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इस पुस्तक के मुताबिक उन्होंने लगभग 30 साल तक यात्रा की थी और उसी का वर्णन उन्होंने इस किताब में दर्ज किया, यानी मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम राइटर्स हैज रिटन द फेमस हिंदी वर्क पद्मावत। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत लिखी है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना जायसी इन्होंने अवधी भाषा में की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नादिर शाह अटैक इंडिया एट द टाइम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लेटर मुगल्स। निम्नलिखित में से किस मुगल के समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया था और ये कब किया था? 1738 में किया था। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी वॉज रिटन बाय। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। सो आपका आंसर वो ऑप्शन बी, अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं। सुर सागर अ ट्रीटाइज ऑन म्यूजिक वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स। संगीत पर एक ग्रंथ सुर सागर निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? तो वो लिखा गया था अकबर के शासनकाल में। सो आपका आंसर वो ऑप्शन बी, अकबर। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद ईसा इज रिलेटेड टू द डिजाइन एंड आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इन मुगल एरा। उस्ताद ईसा मुगल काल में निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से संबंधित है? सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए, ताजमहल। ताजमहल को 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, जिनकी मृत्यु उसी वर्ष अपने 14वें बच्चे गौहर को जन्म देते समय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नोन टू हैव कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स एट खजुराहो। निम्नलिखित में से किस राजवंश को खजुराहो में मंदिर का निर्माण कराने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, चंदेल्स। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया था। चंदेल ये उत्तर प्रदेश का एक राजपूत वंश था। ठीक है दोस्तों, यहाँ के मंदिर जो है वो हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। चंदेल वंश के शासकों ने 900 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम राजवंश के हरिहर और बुक्का इन दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुगल एम्परर हैड पुट अ बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स इन सर्टन डेज। किस मुगल सम्राट ने कुछ दिनों में जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, अकबर। अकबर पुट अ बैन इन 1583 ऑन किलिंग एनिमल्स ऑन सर्टन डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ गोल्ड कॉइन इशूड इन विजयनगर एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में जारी किया गया सोने का सिक्का था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता ऑप्शन बी के साथ, वराह। वराह इसे स्वर्ण पैगड़ा भी कहा जाता है। इन सिक्कों पर वराह यानी सुअर का प्रतीक
अंकित था और सुवर ये विष्णु का अवतार था, इसलिए ये विजयनगर साम्राज्य का एक शाही प्रतीक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ओनर्स ऑफ कोहिनूर डायमंड, निम्नलिखित में से किसे कोहिनूर हीरे का पहला मालिक माना जाता है। कोहिनूर हीरे के पहले मालिक काकतीय वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, कोहिनूर हीरे का मालिकाना हक कई अलग अलग राजा और साम्राज्यों के पास रहा है। एट प्रेजेंट कोहिनूर हीरा ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में है और टावर ऑफ लंदन में ये मौजूद है। सो इस प्रश्न का आंसर वो ऑप्शन ए, काकतीय वंश। आगे बढ़ते हैं, फरीद वॉज अ रियल नेम ऑफ, फरीद का वास्तविक नाम क्या है। आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, शेरशाह। फरीद का वास्तविक नाम ये शेरशाह है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक वर्ष प्रथम कहाँ का प्रसिद्ध राजा थे। अमुक वर्ष फर्स्ट वॉज अ फेमस किंग ऑफ, सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अमुक वर्ष प्रथम भारत के राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मुहज़रनामा वॉज डिक्लेयर बाय, मुहज़रनामा किसके द्वारा घोषित किया गया था। मुहज़रनामा एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें अकबर को अपने साम्राज्य में इस्लामी कानून का सर्वोच्च मध्यस्थित घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये मुहज़रनामा खुद मुगल बादशाह अकबर ने सितंबर 1579 में जारी किया था। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, अकबर। मुहज़रनामा अकबर द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स जहांगीर महल इज लोकेटेड, जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। जहांगीर महल ये आगरा फोर्ट यानी आगरा किले में स्थित है। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, आगरा फोर्ट। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने कराया था। इस महल का निर्माण 1570 में महिलाओं के रहने के लिए कराया था। इसमें अकबर की राजपूत बिया रहती थी। नेक्स्ट, वसुचरित इज अ वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वसुचरित्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। वसुचरित्र ये राम राजा की रचना है। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, राम राजा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी, निम्नलिखित में से गढ़वाला राजवंश का संस्थापक कौन था। गढ़वाला राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, चंद्रदेव। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता है ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।